हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसी टेक्नो। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि कैसे आप आईओएस एप्स बना सकते हो, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन से सॉफ्टवेयर में बनता है, और आपको मैकबुक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए आईओएस एप्स बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और एक छोटा सा यूआई आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में भी आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को। तो दोस्तों, अपन को सबसे पहले करना क्या है, अपन को जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है आईओएस एप्स बनाने के लिए उसका नाम है एक्स कोड। आपको एक्स कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आपको मैकबुक का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं चल सकता है विंडोज़ के अंदर, क्योंकि विंडोज़ के अंदर लैग करेगा, बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको मैकबुक खरीदना ही पड़ेगा। तो इसको अपन चालू करते हैं। तो दोस्तों, अपना एक्स कोड कुछ ऐसा दिखता है जब चालू करते हैं। तो हमें नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका पुराना प्रोजेक्ट है तो आप ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट फाइल पर क्लिक करें, और आपको अगर किसी प्रोजेक्ट का पुराना पड़ा है उसका क्लोन बनाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अपन को अभी क्या करना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो नए प्रोजेक्ट के लिए अपन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अपन को क्या चाहिए, आईओएस ऐप का प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए बनता है, आईओएस के लिए बनता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो अभी अब मैं जिस मैक के अंदर चला रहा हूँ उसके लिए ऐप बनता है, वॉच के लिए बनता है, टीवी के लिए बनता है, और भी बहुत कुछ है जिनके लिए ऐप्स बना सकते हो। आईओएस के अंदर गेम का बना सकते हो, गेम भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर होता है, अपन ऐप के अंदर बनाएंगे और आगे मैं बताता हूँ उसके अंदर और क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, मतलब जो अपना ऐप का नाम है वो इस पर लिखना पड़ेगा। तो अपन इसमें लिखेंगे डेमो, जो अभी अपन डेमो वो बना रहे हैं, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर, जो कि एक तरीके से यूनिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये काम कब आते हैं, जब अपन इसको ना ऑनलाइन करता है ऐप को, तब ये काम आता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस होता है स्विफ्ट यूआई के अंदर, स्टोरी बोर्ड के अंदर। तो एक्चुअली है क्या, स्टोरी बोर्ड पहले आता था ऑब्जेक्टिव सी के अंदर बनता था, ठीक है। फिर आया स्टोरी बोर्ड आया, और अब जो चल रहा है, जो अभी मतलब आया नहीं है, स्टेबल नहीं है, लेकिन एक तरीके से लॉन्च कर दिया गया है, वो है स्विफ्ट यूआई, जो कि अभी तक प्रोजेक्ट्स बहुत कम बनते हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर। तो बेसिकली लोग सिर्फ स्टोरी बोर्ड ही यूज़ करते हैं, स्विफ्ट यूआई भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी अपन जो करने वाला है प्रोजेक्ट वो स्टोरी बोर्ड के अंदर ही करेंगे। तो अपन चालू करते हैं स्विफ्ट के अंदर, और लैंग्वेज चाहिए अपन को स्विफ्ट। ऑब्जेक्टिव सी भी है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव सी आती है तो आप ऑब्जेक्टिव सी भी अंदर कर सकते हो। इसके अंदर अपन कोर डेटा नहीं चाहिए और टेक्स्ट नहीं चाहिए, अपन नेक्स्ट करेंगे। अब ये आता है कि आपको प्रोजेक्ट सेव कहाँ करना है, ठीक है। तो मैं अपना जो बनाया हुआ है आईओएस नाम का, तो इसके अंदर मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्रिएट हो चुका है, अपन इसको साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इधर कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। इस इंटरफेस के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स मिलती है, जिसके अंदर डेमो का, जैसे आप चलाते हो ना तो डेमो का ये आपके एप्लीकेशन का नाम आता है और ये इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका ऐप का वर्ज़न चेंज कर सकते हो कि भाई मेरा जो ऐप है इन इन एप्लीकेशंस के अंदर तो चलना ही चाहिए, इस एप्लीकेशन तक, जिस एप्लीकेशन का वर्ज़न 16.2 तक है वहाँ तक चल जाना चाहिए। यहाँ पे आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, अप साइड, मतलब जिस साइड बंदा घुमाएगा उसी साइड से वो चलेगा, समझ रहे हो ना, वैसे, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ सेटिंग है जो आप देख सकते हो, और इसी के साथ अपन अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपको एक फोल्डर मिलता है, फोल्डर किसका, जो आप एप्लीकेशन बनाते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बनते हैं, क्या बनते हैं, फोल्डर्स। तो इसके अंदर पहला बनता है ऐप डेलीगेट, सीन डेलीगेट, और व्यू कंट्रोलर। व्यू कंट्रोलर होता है जिसके अंदर अपना अपने एप्लीकेशन का जो भी कोड होता है ना वो व्यू कंट्रोलर में लिखते हैं, ठीक है। ऐप डेलीगेट क्या होता है, ऐप डेलीगेट है ना, जो ऐप है ना रन होने से पहले जो कॉल होती है ना, जो चीज़ें, वो ऐप डेलीगेट के अंदर कॉल होती है, ठीक है। मेन आता है जो स्टोरी बोर्ड, ठीक है।
ये सबसे मजे वाला काम होता है जिसके अंदर आपको बहुत मजा आता है। जैसे मेरे को तो बहुत मजा आता है, तो मेरे को तो सबसे अच्छा काम ही यूआई बनाना लगता है। तो इसके अंदर एसेट्स देख सकते हो, एसेट्स के अंदर आप कोई भी ऐप का आइकन है जिसकी साइज 1024x1024 होनी चाहिए, वो साइज आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे आप इमेज को डाल सकते हो, मतलब इमेज डालने का बेसिकली आता है, ठीक है। लॉन्च स्क्रीन के ऊपर आपकी जो स्क्रीन ऐप जब लोड होता है ना, मतलब जब स्टार्टिंग अंदर ऐप चलाते हैं अपन, तो लोड होता है। और तो लोड होते टाइम क्या होता है कि अपन देखते हैं ना कि कौन सी स्क्रीन आनी चाहिए लोड होते टाइम। तो बेसिकली स्टार्ट होता है ना जब ऐप, तभी ये स्क्रीन आएगा, ठीक है। लेकिन इतना माइन्यूट सा होता है, 2-3 सेकेंड का, तो इसके अंदर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये होता है मेन। और अपन यहाँ पे होता है प्लस का साइन, जहाँ पे अपन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो लेबल होता है क्या, लेबल होता है जहाँ पे अपन टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, इसको अपन लंबा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अपन को कंस्टेंट लगाने पड़ते हैं, मतलब एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। बहुत ही इजी काम है, बहुत ही अच्छा काम है। यहाँ पे टेक्स्ट प्लेन है, यहाँ पे सेटिंग होती है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, अश्विन ने लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप सिस्टम, अगर आप यहाँ पे कस्टम करते हो, कस्टम के अंदर आपको ये इतने सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे साइज मिल जाती है, जितनी चाहे साइज बढ़ाओ कुछ भी करो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे कर सकते हो, यहाँ पे ये बहुत सी सेटिंगें मिल जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड इसका कलर चेंज कर सकते हो, अपन इसका कर देते हैं ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और इसका ये वाइट कर देते हैं, ठीक है। अरे टिंट नहीं रहे, फॉन्ट कलर, कलर यहाँ पे है, ठीक है। ये ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको कंस्टेंट देना पड़ता है, मतलब कंस्टेंट का मतलब होता है कि आप एडजस्ट कर रहे हो उस चीज़ को। तो बेसिकली अपन को ना 3 कंस्टेंट तो देने पड़ते हैं, यहाँ से आपके कंस्टेंट लगते हैं, मतलब ये ऊपर वाला कंस्टेंट, ये राइट वाला कंस्टेंट और लेफ्ट वाला कंस्टेंट। तो कंस्टेंट कैसे देते हैं, इसका मैं एक अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब वीडियो बना दूंगा, जो आपको पूरा समझा दूंगा भाई कंस्टेंट कैसा लगता है, और मस्त तरीके से समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ठीक है, मैं इसके अंदर और भी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे बटन है, यहाँ पे बटन के टाइप्स है, यहाँ पे पुल डाउन बटन, मतलब पुल डाउन का बटन समझ रहे हो ना, कि जैसे अपन क्लिक करते हैं तो नीचे स्लाइड बार सा ओपन हो जाता है, वैसा। या अपने कईयों के अंदर देखा होगा टेक्स्ट फील्ड, मतलब जहाँ पे अपन लॉगिन करते हैं, या फिर जैसे अपन को कुछ लिखना होता है ना टेक्स्ट फील्ड के अंदर। एक बार लिख के देख के बता देता हूँ, इसको लंबा किया अपन ने, और ऐसे जैसे इसके अंदर लिखने का होता है ना कुछ जुगाड़, लिख के सबमिट कर दिया, वो वाला टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं उसको। ये स्लाइडर होता है, स्लाइडर जैसे आपने देखा ही होगा कि इधर उधर घुमाने का, उसको स्लाइडर बोलते हैं। पेज कंट्रोल, जैसे पेज कंट्रोल होता है ना, आगे जाएगा तो अलग कलर हो जाएगा और पीछे जाएगा तो अलग कलर हो जाएगा, मतलब पॉइंट वाला इंडिकेट करता है ये चीज़। ये कुछ स्टैक व्यू है, ये सब कुछ मैं आपको एक एक वीडियो के अंदर मस्त तरीके से समझाऊंगा, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएंगे। स्क्रॉल व्यू क्या होता है, डेट फिगर क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। मैं पूरा इसके अंदर आपको ये पूरे सब चीज़ें कराऊंगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को ना ऐसा पूरा देखा होगा यार, मुझे आ जाता है। और सच्ची में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अगला वीडियो आने वाला है, तो मैं इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला था कि आप iOS एप्स कैसे बना सकते हो, कहाँ से बना सकते हो। तो भाइयों ये बात है कि मैक तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा अगर iOS के अंदर आपको करियर बनाना है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अपन मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो तब तक बाय 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 बाय।